तो भाई कॉकरोच देख लेते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। नॉर्मल कॉकरोच जो है उसका जो लेंथ है 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस होता है, 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर होता है। फिर हमारा जो मेन टॉपिक है पेरी प्लैनेट अमेरिकाना वो देख लेते हैं, 34 टू 53 mm होता है। फिर हम इनका फीचर्स देख लेते हैं, ये नॉकचर्नल ओमनिवोर होते हैं, ये डैम प्लेसेस में ही मिलेंगे, और इनका जो विंग्स मेल में है सिर्फ मेल में दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द टिप हो जाता है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक एक्सोस्केलेटन, व्हिच इज फॉर्म बाय काइटिनस प्लेट्स और स्फेराइड्स, ठीक है। फिर हम उसका एक ही सेगमेंट के बारे में देखेंगे, तो डॉर्सल वेंट्रल एंड साइड सारा ही देखेंगे। डॉर्सल में आता है टर्गाइड्स या टर्गा, एंड वेंट्रल में आता है स्टर्नाइड्स या स्टर्ना। आप इसे ह्यूमन बॉडी से कंपेयर कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी में ही वेंट्रल में आपको स्टर्नम मिलता है, उस तरह से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे वेंट्रल में स्टर्ना होता है, डॉर्सल में टर्का होता है। फिर साइड में आते हैं दो प्लूरॉन, और टर्का एंड स्टर्ना को जुड़े रखने के लिए यहाँ पे आता है एक मसल जिसे कहते हैं टर्गो स्टर्नल मसल्स, और जो फोर साइड्स जो है उन्हें कनेक्ट करने के लिए कॉर्नर्स में आते हैं आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन या आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन। हम आते हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ कॉकरोच। तो एक्सटर्नल फीचर्स में हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड में हमें मिलेगा 1 पेयर ऑफ फिलीफॉर्म एंटीना एंड 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई। फिर आते हैं थोरैक्स, थोरैक्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। यहाँ पे प्रोथोरैक्स का कवरिंग गिवन है जिसे कहते हैं प्रोनोटम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। अब आते हैं लेग, 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, ये प्रोथोरैक्स से स्टार्ट होते हैं, प्रोथोरैसिक लेग, मेसोथोरैसिक लेग एंड मेटाथोरैसिक लेग। अब आते हैं विंग, विंग जो है ना प्रोथोरैक्स में नहीं होते, वो मेसोथोरैक्स में होते हैं, मेटाथोरैक्स में होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो प्रोथोरैक्स में नहीं होते हैं, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स में होते हैं। मेसोथोरैसिक विंग को हम टेग्मिना, इलाइट्रा, फोर विंग कह सकते हैं, और जो मेटाथोरैक्स में है वो है हाइंड विंग। फिर आते हैं हम एब्डोमेन में, एब्डोमेन जो है वो उसके बाद आते हैं एनल सर्सी जो कि प्रेजेंट होता है दोनों सेक्सेस में। अब आते हैं हम बॉडी सेगमेंट, बॉडी सेगमेंट हम इस तरह से देखेंगे जो एम्ब्रियो में था एंड एडल्ट में कैसे चेंज हो गया। पहले हेड में देखेंगे, हेड में जब वो एम्ब्रियो रहता है ना कॉकरोच, तब उसमें 6 सेगमेंट्स होते हैं हेड में, एडल्ट में जाते जाते वो एक हो जाते हैं, फ्यूज होकर एक हो जाते हैं। अब आते हैं थोरैक्स, थोरैक्स एम्ब्रियो में भी 3 सेगमेंट्स होते हैं एंड एडल्ट में भी 3 सेगमेंट्स होते हैं। एब्डोमेन में 11 होते हैं एम्ब्रियो में एंड एडल्ट में वो 10 सेगमेंट्स हो जाते हैं। अब आते हैं हम हेड, हेड में देखेंगे कवरिंग ऑफ हेड एंड माउथ पार्ट। तो पहले हम एक सेगमेंट देख लेते हैं जिसका डॉर्सल पार्ट होता है वर्टेक्स, वेंट्रल होता है क्लाइपस, साइड में होते हैं गेना एंड जो कैविटी उसे फ्रॉन्च कहते हैं। अब आते हैं माउथ पार्ट, माउथ पार्ट में 5 पार्ट होते हैं कंप्लीट, उसका लेब्रम, लेबियम, हाइपोफेरिंक्स, मैंडिबल एंड मैक्सिला। आई रिपीट, लेब्रम, लेबियम, हाइपोफेरिंक्स, मैंडिबल एंड मैक्सिला। इसके जो माउथ पार्ट होते हैं वो अटैच्ड होते हैं क्लाइपस या वेंट्रल साइड में, एंड इनका जो माउथ होता है बाइटिंग एंड चिविंग टाइप होता है। फिर हम आएंगे एक एक माउथ पार्ट के डिस्क्रिप्शन में, लेब्रम जो होता है अपर लिप होता है, लेबियम जो होता है लोअर लिप होता है, लेबियम को हम सेकेंड मैक्सिला भी कहते हैं क्योंकि दे बियर 1 पेयर सेंसरी पल्प। फिर आते हैं हाइपोफेरिंग जिसे टंग कहते हैं, मैक्सिला विथ 2 पेयर मैक्सिलरी पल्प जो सेंसरी होते हैं। फिर मैंडिबल, मैंडिबल में आते हैं 1 पेयर विथ काइटिनस टीथ, मैंडिबल 1 पेयर विथ काइटिनस टीथ। फिर आते हैं पोजीशन ऑफ हेड जो कि हाइपोग्नाथस पोजीशन होता है, कम्प्लीटली 90 डिग्री होता है, थोरैक्स से हेड जो है कम्प्लीटली 90 डिग्री होता है। फिर आते हैं एंटीनल, 1 पेयर होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, कंटेन सेंसरी रिसेप्शन होते हैं, इनका जो फंक्शन है मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट, ये एंटीना से समझ जाते हैं सामने क्या है। फिर आते हैं आईज ऑफ कॉकरोच, एक सिंपल आई होता है 1 पेयर, एक कंपाउंड आई होता है 1 पेयर। फिर जो सिंपल का आई होता है ना उसे कहते हैं ऑसिलस, वो वेस्टिजियल होते हैं, ऑसिलस वेस्टिजियल होते हैं। अब आते हैं कंपाउंड आई जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कंपाउंड आई का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसका हर एक यूनिट को हम ओमेटीडियम कहते हैं, हर एक यूनिट को ओमेटीडियम कहते हैं, 2000 ओमेटीडियम प्रेजेंट इन ईच आई, हर आई में 2000 ओमेटीडियम होते हैं। इनका जो विजन होता है मोजैक विजन होता है, इमेज एपोजिशन होता है, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। अब आते हैं हम थोरैक्स, थोरैक्स के 3 सेगमेंट्स देख लेंगे, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। यहाँ पे जो प्रोथोरैक्स का कवरिंग होता है उसे प्रोनोटम कहते हैं, एंड लेग जो है 3 पेयर्स होते हैं, 1 पेयर इन ईच सेगमेंट होते हैं, एंड जो विंग होते हैं वो 2 पेयर्स होते हैं, सिर्फ मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स में होते हैं।
अब देख लेते हैं लेग का डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे लेग जो है ना प्रोथोरैक्स से जहाँ पे अटैच होता है उसे कॉक्सा कहते हैं। कॉक्सा से अटैच होता है ट्रोकेंटर जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होता है। फिर आता है फीमर, फिर आता है टीबिया, टीबिया जो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट होते हैं। फिर आता है टीबिया से टार्सल्स जो कि 5 सेगमेंट्स में होते हैं। फिर आता है प्रोटार्सल्स जो कि टार्सल से कनेक्टेड होते हैं। और प्रोटार्सल्स में आपको एरियोला मिलेगा जो कि वैक्यूम जनरेट करते हैं जिससे वो कहीं भी स्टिक कर सकते हैं। फिर आते हैं विंग्स जो कि 2 पेयर्स होते हैं, एक फोर विंग एक हाइंड विंग। फोर विंग को पहले भी जैसे बताया वो टेगमिना एंड एलाइट्रा होते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक्स्ट्रा जो है डार्क होते हैं, काइटिनस होते हैं, स्ट्रांग होते हैं एंड प्रोटेक्शन में मदद करते हैं। एंड जो हाइंड विंग है वो 1 पेयर होते हैं, मेटाथोरैक्स में होते हैं एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं, सॉफ्ट एंड मेम्ब्रेनस होते हैं, फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि इन्हें उड़ने में मदद करते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा हल्का होना पड़ेगा, इसलिए मेम्ब्रेनस जो है हाइंड विंग वो फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आते हैं हम एब्डोमेन जो कि 10 सेगमेंट में होते हैं। यहाँ पे हमें 2 अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे, एनल स्टाइल एंड एनल सर्सी। तो एनल स्टाइल पहले देख लेते हैं जो कि 1 पेयर होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, प्रेजेंट ओनली इन मेल कॉकरोच, सिर्फ मेल में प्रेजेंट होते हैं एनल स्टाइल। प्रेजेंट ऑन 9th सेगमेंट हेल्प इन कॉपुलेशन, 9th सेगमेंट में होते हैं एंड कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। ओके, देन आते हैं एनल सर्सी जो कि 1 पेयर होते हैं, 15 सेगमेंटेड होते हैं, प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस, प्रेजेंट ऑन 10th सेगमेंट कॉकरोच 10th सेगमेंट में होते हैं, इनका खुद का 15 सेगमेंट्स होते हैं एंड सेंसरी होते हैं ये नेचर में। अब आते हैं हम जेनिटल पाउच, मेल एंड फीमेल दोनों में देखेंगे। पहले मेल में देख लेते हैं, वहाँ पे होता है ना 9+10 टर्गा एंड 9th स्टर्ना, यहाँ पे 9+10 टर्गा एंड 9th स्टर्ना होते हैं। वो फ्यूज होकर एंटीरियर में होता है एनस एंड पोस्टीरियर में होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फिर आते हैं फीमेल के पास, फीमेल में 9+। अब हम देख लेते हैं जेनिटल पाउच फीमेल एंड मेल दोनों का देखेंगे। फीमेल में आता है 7, 8 एंड 9 स्टर्ना से बने होते हैं एंड 7th वाला जो होता है स्टर्ना वो लार्ज एंड रिच शेप होता है। अब मेन स्ट्रक्चर में आते हैं इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर में आता है फीमेल गोनोपोर, ओपनिंग ऑफ पोलिपल ग्लैंड एंड ओपनिंग ऑफ स्पर्मेटिका। ये क्या होते हैं फर्दर हम देखेंगे, पहले फिलहाल देख लेते हैं पोस्टीरियर में फिलोमियर जो कि काइटिनस प्लेट से बने होते हैं। अब आते हैं मेल में, मेल जेनिटल पाउच जो होते हैं ना वो 9th एंड 10th टर्गा एंड 9th स्टर्ना से बने होते हैं। इसका मतलब डॉर्सल में जो है हम 2 सेगमेंट ले रहे हैं एंड वेंट्रल में जो है 1 सेगमेंट ले रहे हैं। तो 9th एंड 10th टर्गा एंड 9th स्टर्ना। अब इनका जो मेन स्ट्रक्चर में आता है इंटीरियर में आता है एनस, इंटीरियर ए से एनस ए से, इंटीरियर में आता है एनस एंड पोस्टीरियर में आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब आते हैं हम एलिमेंट्री कैनल जो कि फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, फोरगट मिडगट एंड हाइंड गट। फोरगट एंड जो हाइंड गट होता है वो एंडोडर्मल होता है ओरिजिन में एंड जो मिडगट होता है वो एंडोडर्मल होता है ओरिजिन में। आई रिपीट, फोरगट एंड हाइंड गट जो होता है वो एंडोडर्मल होता है ओरिजिन में एंड जो मिडगट होता है वो एंडोडर्मल होता है। अब हम इंडिविजुअली देखेंगे तो जो फोरगट होता है उसका जो ओरिजिन एंडोडर्मल एंड जो क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, इनका जो मेन स्ट्रक्चर होता है गीजर जो कि माउथ का काम करता है। अब देख लेते हैं मिडगट जो कि ओरिजिन एंडोडर्मल होता है, क्यूटिकल यहाँ पे नहीं होता है, मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। एंड फिर देख लेते हैं हाइंडगट जो कि ओरिजिन में एंडोडर्मल होते हैं, क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं, इलियम रेक्टम जो कि इसका मेन स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखेंगे एनाटॉमी में एलिमेंट्री कैनल ऑफ कॉकरोच, एकदम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, उसके डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम माउथ से स्टार्ट करेंगे, माउथ से आते ही हमें फैरिंग्स मिलेगा, फैरिंग्स के जो लैटरल साइड में होते हैं वहाँ पे हमें सैलिवरी ग्लैंड मिलेगा इन बिटवीन विच सैलिवरी रिजर्वायर इज प्रेजेंट। सो सैलिवरी ग्लैंड जो होते हैं ना 1 पेयर होते हैं, बायलोट होते हैं, रिलीज ओनली कार्बन डाइजेस्टिव एंजाइम, यहाँ पे कार्बन के अलावा किसी का डाइजेशन नहीं होता है। फिर हम फर्दर जाएंगे तो हमें फैरिंग्स जो है वो शॉर्ट ट्यूबुलर मिलेगा लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज और कॉल्ड ईसोफेगस। आई रिपीट, या फैरिंग्स जो होता है ना शॉर्ट ट्यूबुलर होता है और ईसोफेगस जो होता है वो नैरो ट्यूबुलर होता है, विच इन टर्न ओपन इन टू सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप जो होता है ना फूड स्टोरिंग में हेल्प करता है, यहाँ पे हल्का फुल्का डाइजेशन भी हो जाता है। तो क्रॉप जो होता है फर्दर जहाँ एंड होता है वहाँ पे हमें दिखेगा गिजार्ड जो कि 6 कार्टिनस टीथ से बना होता है, उसे हम प्रोबेंटिकुलस भी कहते हैं। ये एनसीईआरटी की वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ थिक,
यहाँ पे थिक होता है, थिक सर्कुलर मसल, और फिर इनर में भी थिक क्यूटिकल होता है फॉर्मिंग 6 हाइली कार्टिनस प्लेट, वही उसी से टीथ बनते हैं। तो वो क्या होता है, गिजार्ड फिर हेल्प करता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स में। तो उसके बाद हम जब फर्दर जाएंगे गिजार्ड से, तो हमें मिलेगा हेपेटिक सीके और गैस्ट्रिक सीके, विच इज प्रेजेंट एट द जंक्शन, एकदम जंक्शन पे ही होते हैं फोरगट एंड मिडगट। उसके बाद से फिर मिडगट स्टार्ट हो जाते हैं, विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। यहाँ पे ना आपको डाइजेस्टिव जूसेस मतलब वहाँ पे आपको सैलाइवरी ग्लैंड से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट डाइजेस्टिव इंजाइम सारे मिलेंगे, यहाँ पे डाइजेशन सारे का ही होगा। फिर फर्दर हम जब जाएंगे तो एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट जो होता है प्रेजेंट होता है 100 to 150 येलो कलर तीन फिलामेंटस मालफेजियन ट्यूब्यूल्स होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मालफेजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं ना येलो कलर्ड होते हैं, थीन फिलामेंटस होते हैं और 100 to 150 ही प्रेजेंट होते हैं। द हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ, एकदम मतलब एक्सक्रीशन का काम करते हैं। एंड हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिडगट, ऑब्वियसली हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिडगट विच इज डिफरेंशिएटेड इंटू फर्दर इलियम कोलोन एंड रेक्टम, and then rectum opens into anus। अब हम देख लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि ओपन टाइप होते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेंगे फिर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे। तो हार्ट जो होता है सिंगल होता है, 13 चैम्बर्ड होता है, न्यूरोजेनिक होता है। फिर ब्लड जो है वो हीमोलिम्फ होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पे नहीं होता है, जैसे हमारे में हीमोग्लोबिन होता है यहाँ पे नहीं होता है, एंड ये कलरलेस होता है। और ब्लड कैविटी जो होता है वो हीमोसील होता है। फिर आते हैं एनसीईआरटी के लाइन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ब्लड वेसल जो होते हैं ना वो पूरे डिवेलप्ड होते हैं एंड ओपन इनटू स्पेस होते हैं, जो हीमोसील होते हैं वहीं पे ओपन हो जाते हैं। एंड विसेरल ऑर्गन जो होते हैं ना पूरे डूबे हुए होते हैं इनके ब्लड में, दैट इज हीमोलिम्फ। फिर आते हैं ना हीमोलिम्फ जो होता है कलरलेस है, फिर प्लाज्मा एंड हीमोसाइट से बना हुआ होता है। हार्ट जो होता है ना वो कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होता है, जो कि डॉर्सल लाइन में, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स में एंड एब्डोमेन के अलोंग होता है। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप चेंबर, जिसके और जिसमें ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं आइदर साइड्स में, मतलब वो जो चैम्बर्स है ना हर एक इंडिविजुअल चैम्बर्स में ही ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं, जिस जो कि खुद इंडिविजुअली कनेक्टेड होते हैं ऑस्टिया से। और जो साइनसेस से जो ब्लड होते हैं ना वो एंटर करते हैं हार्ट में ऑस्टिया से, और फिर पंप बैक हो जाते हैं एंटीरियरली टू द साइनसेस अगेन उसी रास्ते से। फिर हम देख लेंगे ना रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि कंसिस्ट ऑफ होता है नेटवर्क ऑफ ट्राकिया दैट ओपन्स इनटू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पायरकल्स। तो इसे हम फर्दर डिस्क्राइब करेंगे। तो इनका कोई ऐसा वेल डिवेलप्ड कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, इनका एक नेटवर्क होता है ट्राकिया का जो कि ओपन होता है 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स जो होते हैं इनके बॉडी सेगमेंट्स में होते हैं, वो 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पायरकल्स जो कि प्लूरॉन प्लेट में प्रेजेंट होते हैं। तो इनके जो 10 पेयर्स हैं इन्हें हम डिवाइड कर लेंगे कि कैसे प्रेजेंट है। तो 2 पेयर्स जो इनके होते हैं वो थोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं, 8 पेयर्स जो है ना वो एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पेयर्स जो है थोरैक्स में होते हैं, 8 पेयर्स जो है वो एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। फिर ये जो स्पायरकल्स है ये फर्दर जाते हैं ट्राकिया बनते हैं, ट्राकिया से ट्राकियोल्स बनते हैं जो कि टिश्यू से अटैच्ड होते हैं। इनका कम्प्लीटली डिफ्यूजन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। तो ये जो ट्राकिया जो है वो इन्वायरमेंटल एयर से ऑक्सीजन लेकर टिश्यू को देते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे एक स्पिंटर भी होता है स्पायरकल्स में जो कि रेगुलेट करते हैं ओपनिंग को कि क्या खुलना है वगैरह। तो एंड यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल प्रेजेंट होता है टर्कोस टर्नल मसल, जो कि ब्रीथिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना तो एक्सपिरेशन होगा, एंड जब रिलैक्स करेंगे ना तो इंस्पिरेशन होगा। आप ऐसे याद रख सकते हो, जब वी रिलैक्स, जब हम रिलैक्स करते हैं वी इंस्पायर, हम जब किसी को देखकर किसी की स्टोरी देखकर जब इंस्पायर होते हैं ना तो हमें रिलैक्स करना चाहिए। तो उस तरह से आप देख सकते हैं रिलैक्स इक्वल टू इंस्पिरेशन, जब ये मसल रिलैक्स करेंगे तभी इंस्पिरेशन होगा, एंड जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्सपिरेशन होगा। फिर हम देख लेते हैं ना एक्सपिरेटरी सिस्टम,
एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मैग्नीशियन ट्यूब्यूल्स, जो कि 100 to 150 होता है, एंड दे आर एंटेरोनेफ्रिक, कम्प्लीटली एंटेरोनेफ्रिक होता है। और इनका जो मेन एक्सटर्नल एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है ना, वो यूरिक एसिड होता है। फिर इनका जो पोजीशन होता है ना, वो प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। पर अगर ऑप्शन में रहा कि मिडगट एंड हाइंडगट या फिर मिडगट, तो आप मिडगट को ही चूज करेंगे, ये आप कम्प्लीटली इसे मिडगट भी बोल सकते हैं। फिर इनका जो अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है ना, उसे आप याद कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फन, FUN, फन, फन एफ फॉर फैट बॉडीज, एन फॉर नेफ्रोसाइट्स, यू फॉर यूरिकोस ग्लैंड, जो कि प्रेजेंट होता है सिर्फ मेल में, जो शो करता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूरिकोस ग्लैंड सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, जो शो करता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे देख लेते हैं ना, जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। जो ट्यूब्यूल होता है ना, हर एक ट्यूब्यूल लाइन होता है ग्लैंडुलर इंसुलेटेड सेल्स से, जो कि अब्सॉर्ब करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट एंड उसे कन्वर्ट कर देता है यूरिक एसिड, जो कि एक्सक्रीट हो जाता है हाइंडगट से। अब है ना, हम देख लेते हैं जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। तो जो टिश्यू होता है ना, उनसे रिलीज होता है पोटेशियम यूरेट, जो कि जाता है मैग्नीशियम ट्यूब्यूल्स में, एंड वो ट्यूब्यूल्स उसे कन्वर्ट कर देती है पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो हमारा मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, जो रिलीज हो जाता है, क्योंकि कॉपर तो यूरिकोटेलिक होता है, तो उनका यूरिक एसिड रिलीज हो जाता है। एंड जो बाइकार्बोनेट है एंड जो वाटर है, वो वापस से एब्जॉर्ब हो जाता है, मैग्नीशियम ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हमारा ये जो मेलफिजन टेबल्स है ना, वो दो पार्ट में काम करते हैं, जैसे आधा पार्ट सिक्रेशन करते हैं, आधा पार्ट एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन भी हो गया, तो ऑस्मो रेगुलेशन कौन करता है, मेलफिजन टेबल्स करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेंगे नर्वस सिस्टम, तो इसे ब्रीफली पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेन एक नर्व कॉर्ड। ब्रेन जो होता है ना, सुप्रो इसोफिकल गैंग्लिया होता है, एंड जो नर्व कॉर्ड होता है ना, वो 9 गैंग्लिया से मिलकर बना होता है। तो इसके जो पार्ट्स है वो डिवाइडेड होता है ऐसे, 3 इन थोरैक्स एंड 6 इन एब्डोमेन। आई रिपीट, 3 इन थोरैक्स एंड 6 इन एब्डोमेन। 3 सेगमेंट्स होते हैं थोरैक्स में, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। यहाँ पे 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाओ स्पाइरेकल्स एंड गैंग्लिया में। स्पाइरेकल्स होते हैं वो 10 पेयर्स होते हैं, 2 इन थोरैक्स होते हैं, 8 इन एब्डोमेन होते हैं, 2 इन थोरैक्स होते हैं, 8 इन एब्डोमेन होते हैं। पर जो गैंग्लिया है वो 3 इन थोरैक्स होते हैं, 6 इन एब्डोमेन होते हैं। अब हम देखेंगे नर्व कॉर्ड कैसा होता है। वो डबल होता है, मेंटल होता है, सॉलिड होता है। आप इसे ह्यूमन बॉडी से कंपेयर कर सकते हो। हमारा जो होता है ना, सिंगल होता है, डॉर्सल होता है एंड हॉलो होता है। तो इसका कम्प्लीटली ऑपोजिट जो होता है ना, कॉकरोच में होता है, आप याद कर सकते हो, डबल, मेंटल एंड सॉलिड होता है। अब हम देख लेंगे फर्दर जो नर्वस सिस्टम होता है वो किस किस बना हुआ होता है। तो पहले हम देख लेंगे सीरीज ऑफ फ्यू सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया होता है, जो कि जॉइंट होता है पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिविटी से वेंट्रल साइड में। इसके वेंट्रल साइड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेंट्रल साइड में ही नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, तो ये वेंट्रल साइड में अटैच्ड होते हैं। फिर हम देख लेंगे नर्वस सिस्टम जो है होल बॉडी में कैसा होता है। तो नर्वस सिस्टम कॉकरोच में स्प्रेड होता है थ्रू आउट द बॉडी, और इसका जो हेड होता है ना, वो थोड़ा सा नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट लेता है, बाकी तो पूरा वेंट्रल साइड में होता है। आप कह सकते हो बेली साइड, जो कि एनसीईआरटी की वर्ड है, बेली साइड में होता है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं ना कि कॉकरोच का अगर हेड अगर अलग भी हो जाए, तो भी वो एक वीक तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि उनका मैक्सिमम जो पार्ट है ना नर्वस सिस्टम का, वो बॉडी में होता है, ब्रेन में थोड़ा सा होता है, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं होता। फिर हम देख लेंगे जो ब्रेन में जो न्यूरल पार्ट है, वो गैंग्लियन जो सब है वो सप्लाई करता है नर्व्स टू द एंटीना एंड कंपाउंड है, इसीलिए वो सेंसरी होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले हम देखेंगे कॉकरोचेस जो होते हैं ना, डायोशियस होते हैं, मतलब बोथ सेक्सेस हैव डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एंड फिर हम देख लेंगे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हम टेस्टिस से स्टार्ट करेंगे। तो टेस्टिस जो होता है ना, 1 पेयर होता है, 3 to 4 लोब्स होता है, एंड प्रेजेंट होता है 4 to 6 सेगमेंट ऑफ, मतलब कॉकरोच के ही जो 4 to 6 सेगमेंट होता है, वहाँ पर आपको टेस्टिस मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम वास डिफरेंस में। वास्ट डिफरेंस जो होता है ना, वो ओपन होता है सेमिनल वेसाइकल में। देन हम देख लेंगे सेमिनल वेसाइकल जो जो पार्ट उसमें होता है, तो कम्प्लीटली वो ना मशरूम ग्लैंड होता है, तो वो होता है 6 to 7 सेगमेंट में आपको मिल जाएगा। तो मशरूम ग्लैंड के विदर होते हैं ना स्मॉल ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स एंड सेमिनल वेसाइकल। ये ऐसे इंडिविजुअली गिवन नहीं है एनसीईआरटी में, आप जो डायग्राम गिवन है ना एनसीईआरटी में, उस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा
स्मॉल टिब्यूल्स, लॉन्ग टिब्यूल्स एंड सेमिनल वेसिकल गिवन ए डायग्राम में, तो वो तीनों मिलाकर होते हैं मशरूम ग्लैंड। एंड वहाँ पे एक ब्राउन कलर का आपको दिखेगा, वो होता है फैलिक ग्लैंड। तो फैलिक ग्लैंड जो होता है ना, वो सिक्रीट करता है आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर का आउटर लेयर सिक्रीट करता है, एंड जो स्मॉल टिब्यूल्स होते हैं वो न्यूट्रिशन देता है स्पर्मेटोफोर का। और जो लॉन्ग टिब्यूल्स होते हैं वो इनर लेयर सिक्रीट करता है स्पर्मेटोफोर का। और जो सेमिनल वेसिकल होता है वो स्टोरेज का काम करते हैं, स्टोरेज करते हैं स्पर्मेटोफोर का। आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाओ, फैलिक ग्लैंड नहीं आता है मशरूम ग्लैंड में, मशरूम ग्लैंड एंड फैलिक ग्लैंड दोनों अलग है। स्मॉल टिब्यूल्स, लॉन्ग टिब्यूल्स एंड सेमिनल वेसिकल से मिलकर बनते हैं मशरूम ग्लैंड। फिर आते हैं हम इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है ना, उसका भी एक फंक्शन है, वो सेक्रेट करते हैं मिडिल लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। And that ejaculated duct opens into a male gonopore which is situated ventral to anus. And यहाँ पे सबसे important point जो है ना, मशरूम ग्लैंड सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, तो ये सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म अगेन दिखाते हैं। फिर हम नीचे और आएंगे तो फिर हम देखेंगे राइट फेलोमियर एंड वेंट्रल फेलोमियर, राइट फेलोमियर एंड वेंट्रल फेलोमियर। फिर आता है एनल सर्सी, फिर आता है क्लॉडल पेनिस, फिर वहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा लेफ्ट फेलोमियर, स्यूडो पेनिस एंड टेरिटेरियल। हम पहले एक्सटर्नल जेनिटेरिया में क्या क्या आते हैं वो देख लेंगे। तो एक्सटर्नल जेनिटेरिया में आपका आएगा राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, स्यूडो पेनिस, टेरिटेरियल एंड लेफ्ट फेलोमियर। ये कंप्लीट मिलाकर होता है एक्सटर्नल जेनिटेरिया, जो कि जेनिटल पाउच में होता है, जो पहले बताया था 9th और 10th का एंड 9th स्टर्ना। एनल सर्सी एंड कॉडल स्टाइल जो है वो पहले भी बताया था, कॉडल स्टाइल जो सिर्फ मेल में प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में नहीं। नेक्स्ट हम देख लेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो पहले हम ओवरी देख लेते हैं। ओवरी जो होता है ना, वन पेयर होता है एंड 2 to 6 सेगमेंट में होता है। ईच ओवरी कंटेंस 8 ओवेरियोस, रिपीट, ईच ओवरी कंटेंस 8 ओवेरियोस, तो इसका मतलब एक कंप्लीट कॉकरोच में हमें 16 ओवेरियोस मिल जाएंगे। तो ओवरी जो होता है फर्दर ओपन होता है ओवेरी डक्ट। अब इस साइड आ जाते हैं, हम देखेंगे एक स्पर्माथिका प्रेजेंट होता है। तो स्पर्माथिका जो होता है वन पेयर होता है एंड 6 सेगमेंट में होता है। तो आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि ओवरी जहाँ पे एंड हो रहा है 6 सेगमेंट में, वहीं से स्टार्ट हो रहा है स्पर्माथिका जो कि 6 सेगमेंट में प्रेजेंट है। फिर आ जाएगा कॉमन ओविडक्ट और वजाइना जो कि 7 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। तो वो स्पर्माथिका के बाद वाले सेगमेंट में ही कॉमन ओविडक्ट और वजाइना आपको मिल जाएगा, जो कि ओपन होता है गोनोफोर में। तो पहले हम देख लेंगे जेनिटल पाउच। यहाँ पे आप डायग्राम में अच्छे से देखेंगे तो जेनिटल पाउच दिया हुआ है, जेनिटल चेंबर एंड वेस्टिबुलम को मिलाकर। ये अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेनिटल पाउच के जो दो पार्ट्स है वो जेनिटल चेंबर एंड वेस्टिबुलम होता है। फिर जो पहले बताया था ना, जो जेनिटल पाउच में ओपनिंग होता है कोलेटरल ग्लैंड्स का, फिर स्पर्माथिका का, वो यहीं पे आप रिलेट कर सकते हो। तो कोलेटरल ग्लैंड्स जो है ना, उसका मेन फंक्शन होता है वो ओवरी रिलीज करते हैं ओथिका का। फिर हम नीचे और आएंगे तो फिर देखेंगे गोनोफाइसिस भी होते हैं। अब हम देख लेंगे जो एक बनने का पूरा प्रोसेस एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो ओवरी से जो रिलीज हुआ ना ओवा एंड स्पर्मेटिका में जो स्पर्म स्टोर होते हैं वो सारे आ जाते हैं फिर आपके जेनिटल पाउच में। जो वो लैटरल ग्लैंड से जो ओथिका का कवरिंग रिलीज हुआ ना, वहाँ पे सारे आ जाते हैं एंड ओथिका में इंक्लोज हो जाते हैं। वो फर्टिलाइज्ड जो एग्स है वो वहाँ पे ओथिका में इंक्लोज हो जाते हैं एंड देन रिलीज होते हैं। ऐसे ही 9 to 10 ओथिका रिलीज होते हैं एंड हर एक ओथिका में ना 14 to 16 एग्स होते हैं, मतलब हर एक ओथिका में 14 to 16 एग्स होते हैं। तो आप देख सकते हो कितने सारे होते हैं एक बार में। और ये ओथिका जो होते हैं ना, डार्क रेडिश कलर या ब्लैकिश ब्राउन आप कह सकते हो, कैप्सूल होते हैं एंड इनका जो लेंथ होता है ना 8 millimeter का होता है। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पे, जो ये रिलीज कहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी में, ग्लूड टू अ सुइटेबल सरफेस यूजुअली इन अ क्रैक और सरफेस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर अ फूड सरफेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रैक या यही सब वगैरह में ह्यूमिडिटी, यही सब कॉकरोच पाए जाते हैं, तो वहीं पर वो अपना जो एग है वो रिलीज कर देते हैं। फिर हम देखेंगे मेटामॉर्फोसिस, जो कि पैरामेटाबुलस होता है, जिसका मतलब होता है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस से होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटामॉर्फोसिस जो कॉकरोच में है वो पैरामेटाबुलस होता है, जिसका मतलब ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। तो पहले हम देख लेंगे एग से हैचिंग होता है, हैचिंग से निम्फ बनता है जो कि उसका जुवेनाइल फेज है।
एग से हैच होता है, फिर वो निम्फ बनता है जो कि उसका जुवेनाइल फेज है, फिर एक साल एटलीस्ट लग जाता है एंड 13 times मोल्टिंग के बाद उनका एडल्ट बनता है जिसे इमागो कहते हैं। आई रिपीट, 1 year लग जाता है एंड 13 times मोल्टिंग के बाद उनका एडल्ट बनता है जिसे इमागो कहते हैं। एंड तो एक लाइन है एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसे के देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स बट नॉट बट ओनली एडल्ट्स कॉकरोच हैव विंग्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट स्टेज जो होता है ना निम्फ का, उसमें विंग्स पैड्स आ जाते हैं, विंग्स नहीं आते। तो हम पहले डिफ्रेंशिएट कर लेंगे निम्फ एंड इमागो में क्या अलग अलग होता है। तो निम्फ जो है ना वहाँ पे गोनेड्स एंड विंग्स कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, इमागो में गोनेड्स एंड विंग्स प्रेजेंट होते हैं। और निम्फ का जो लास्ट स्टेज होता है, इसका मतलब इमागो से पहले वाला जो स्टेज होता है वहाँ पे विंग पैड्स प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाते हैं एकदम लास्ट वाले पैराग्राफ में, तो वहाँ पे देख लेंगे कॉकरोचेस जो होते हैं वाइल्ड होते हैं, उनका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी नहीं होता एंड ह्यूमन हैबिटेट में ऐसे ही पाए जाते हैं। एंड तो वो तो फूड स्पॉइल करते हैं, कंटामिनेट करते हैं विद स्मेली एक्सक्रेटा, एंड उनका बहुत बड़ा रोल है डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज जो है उसे ट्रांसमिट करने का बाई कंटामिनेटिंग फूड मटेरियल। आई होप पूरा एनसीईआरटी कवर हो गया एंड थैंक यू सो मच। आपने ये देखा एंड सीखा होगा ऑब्वियसली, पूरा टिप्स पे लर्न हो गया। थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल टू ऑल द नीट एस्पायरेंट्स, क्योंकि कॉकरोच है ना बहुत कन्फ्यूजिंग होता है एंड आज इतना ईजिली हो गया। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर वीडियोज एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन विच मोर हॉट टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी डू यू वॉन्ट एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग दैट। थैंक यू सो मच।